जनपद रायबरेली में जिला प्रशासन का बुलडोजर इन दिनों वहां चलता है जहां उसे नहीं चलना चाहिए और जहां बुलडोजर चलाए जाने का आदेश है वहां पर अभी कभी में लगा रहता है। हम बात कर रहे हैं रायबरेली शहर के बीचों बीच बाजार बेलीगंज के नाले की, जिस पर अतिक्रमण की शिकायत अधिवक्ताओं ने खुद जिला प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक की। अधिवक्ताओं का कहना है कि इस रास्ते में नाले पर फैले अतिक्रमण हटाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश है, लेकिन जिला प्रशासन इस ओर कार्रवाई से कतरा रहा है। बताते चलें कि हाल ही में सरकारी जेसीबी ने घंटा घर से कई पुराने दुकानों को तोड़ दिया था, जिस पर व्यापारियों ने आरोप लगाया था कि उनके पास अभी दुकानें खाली करने का समय माननीय न्यायालय द्वारा ही नहीं दिया। तो फिर ये सरकारी जेसीबी वहां क्यों गरजने पहुंच जाती है जहां उसे वापस लौटना पड़ता है? क्योंकि वहां पर उन्हें कानून के वास्तविक जानकार मिल जाते हैं। शहर के रिफॉर्म क्लब में नाला खोजने गया जिला प्रशासन को वहां मुख की खानी पड़ी। तो फिर बेलीगंज में आदेश के बाद क्यों शांत है सरकारी जेसीबी? वकील साहब, नाम क्या आपका है? मेरा नाम एडवोकेट गोविंद चौहान है। वकील साहब, ये शहर में अतिक्रमण का क्या कितनी समस्या है? देखिए, अतिक्रमण रायबरेली शहर की यदि व्यक्तिगत बात की जाए तो अतिक्रमण रायबरेली शहर में एक बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से आए दिन लोगों को अपना समय का नुकसान करना होता है। साथ ही साथ अतिक्रमण की वजह से तमाम सारे लोगों के रोज़मर्रा के काम है जो डिस्टर्ब होते हैं। अगर जाम ना हो, जाम होने की वजह से लोग समय से अपने काम से जिस वजह से निकलते हैं उस काम तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से आम जनमानस को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों ने एक डीएम को ज्ञापन दिया था बेलीगंज की जाम की समस्या को, उस पर क्या हुआ? देखिए, शहर के मुख्य मार्गों में से बेलीगंज वाला मार्ग है जहां आए दिन इतना ज़्यादा जाम लगता है, कभी कभी तो घंटों उसमें जाम में लोगों को परेशान होना पड़ता है। व्यक्तिगत यदि बेलीगंज की बात करें तो उसके संबंध में तो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन वगैरह भी दे रखे हैं, फिर भी जिला प्रशासन अपने कान में उंगली डालकर कुछ नहीं कर रहा है अब तक, जबकि जिला प्रशासन को सख्त कार्रवाई करते हुए बेलीगंज मार्ग को जाम से मुक्त कराते हुए आम जनमानस को सुविधाएं देनी चाहिए। और प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन में देखा जाए तो प्रशासन की वजह से अभी रिफॉर्म क्लब को तोड़ने के लिए जेसीबी भेजी गई, इसके अलावा घंटाघर पर भी अतिक्रमण को साफ करने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया गया प्रशासन द्वारा। तो जब घंटाघर की साफ सफाई के लिए जेसीबी भेजी जा सकती है प्रशासन द्वारा और रिफॉर्म क्लब में भी तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा सकती है, तो बेलीगंज में ऐसी कौन सी बात है कि बेलीगंज जो रामकृपाल चौराहे से बेलीगंज को रास्ता गया हुआ है उसमें जो है उसकी साफ सफाई क्यों नहीं हो रही, वहाँ पर जो इतना अतिक्रमण है उनकी दुकानों को क्यों नहीं हटाया जा रहा है, ये समस्या हर है, समस्या परे। अच्छा, इस खास मार्ग के लिए हाईकोर्ट का डायरेक्शन था स्पेशली बेलीगंज के मार्ग की सफाई के लिए, जो रामकृपाल चौराहे से लेकर के बेलीगंज को गया हुआ है, आगे सतनगर को गया हुआ है, उस मार्ग की साफ सफाई के लिए खासतौर से हाईकोर्ट का निर्देशन है कि नाले पर जो भी दुकानें हैं, जो भी फुटपाथ पे दुकानें हैं, उनको तत्काल प्रभाव से रायबरेली जो प्रशासन है उसको हटवाए और वहाँ जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाए। रायबरेली से UP24 न्यूज के लिए संदीप मिश्रा की रिपोर्ट।